आज मैं आ गई हूँ सुशांत गोल्फ सिटी में ओकास रेजिडेंसी के फ्लैट्स दिखाने के लिए आपको। इसमें हमने दो टावर सबसे पहले पोजीशन दिए थे और तीन टावर हम इस जून 5 जून से हम ओपन कर रहे हैं। ये हमारा LDA अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है और नेशनलाइज्ड बैंक से भी अप्रूव्ड है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। मैं हूँ शिल्पी और आज मैं आ गई हूँ सुशांत गोल्फ सिटी में ओकास रेजिडेंसी के फ्लैट्स दिखाने के लिए आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 5 टावर रेडी हैं, 2 में ऑलरेडी पोजीशन मिल गई है एंड इन फ्लैट्स के क्या रेट वगैरह हैं सारी चीज़ें जानते हैं। और आज फिर से मेरे साथ हैं संदीप पाठक जी। हेलो संदीप जी। हेलो मैम। सुशांत गोल्फ सिटी सेक्टर जी में हम लोग हैं, ये ओकास रेजिडेंसी है। इसमें हमने दो टावर सबसे पहले पोजीशन दिए थे और तीन टावर हम इस जून 5 जून से हम ओपन कर रहे हैं। अब जो हमारा वर्क हो रहा है ये टावर नंबर 21 है और 22, तो अभी हमारे जो ओपन करे हैं हमने 21 टावर को ओपन कर रखा है। और एमिनिटीज़ यहाँ पे जैसे पार्क वर्क तो एमिनिटीज में अगर हम देखें तो हमारे पास पूरी लैंड अगर हम बात करें 16 एकड़ की पूरी लैंड है ओकास की, जिसमें हम 6 टावर अभी वर्क कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक ही किड्स का होगा और एक हमारा इस टावर के आगे पड़ता है, वो काफ़ी बड़ा पार्क है 47,000 स्क्वायर फीट का। और इसमें एक आपका सीनियर सिटीजन के लिए अलग से बना रखा है हमने और बेसमेंट में हमने पार्किंग दे रखी है। अच्छा, उनके वॉकिंग वगैरह के लिए एरिया बनाया है सीनियर सिटीजन का। तो एमिनिटीज़ की बात की जाए तो सारी एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलने ही वाली हैं, पार्क है, सारी चीज़ें हैं, किड्स प्ले एरिया काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, सीनियर सिटीजन के लिए भी एक अलग से जगह मिल जाएगी। अच्छा, अगर हम अब फ्लैट्स की बात करें तो ये हमारा LDA अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है और नेशनलाइज बैंक से भी अप्रूव्ड है। इस पर 80% ईजिली लोन हो जाएगा नेशनलाइज बैंक से। और अभी जो वर्क हो रहा है हमारा 2 BHK एंड 3 BHK। ओके, तो एक बार हम सैंपल देखते हैं फिर हम साइज की बात करते हैं। अच्छा, 2 एंड 3 BHK का जो है वो आप खरीद सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए, अच्छा है, 2 BHK का भी है, किसी का थोड़ा बजट नॉर्मल रहता है तो 2 BHK, किसी का लो बजट है वो 2 BHK प्लान कर सकते हैं, नहीं तो 3 BHK है। चलिए तो सैंपल हम देखने वाले हैं। सैंपल हम कितने BHK का देखने वाले हैं? 3 BHK 1495 स्क्वायर फीट। तो अभी मैं आपको 3 BHK का टूर कराने वाली हूँ जो की 1495 स्क्वायर फीट का एरिया है। तो ये एज इट इज जैसा फ्लैट है आपको एज इट इज बिल्कुल मिलने वाला है, एम्प्टी फ्लैट है। इस तरीके से आपको हॉल मिल जाएगा, हॉल का काफ़ी स्पेशियस है, हॉल का एरिया काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी स्पेशियस हॉल मिल जाएगा आपको विद बालकनी, विद अटैच बालकनी। देखिए 5 बालकनियाँ हैं यहाँ पे, बालकनीज वाला घर है, जिनको अच्छी बालकनी पसंद है उनके लिए घर काफ़ी अच्छा है। देखिए काफ़ी स्पेशियस बालकनी भी आपको मिल जाएगी। एंड इधर आते हैं, इस तरफ आपको किचन मिल जाएगा विद अटैच यूटिलिटी एरिया। यहाँ पे अगेन एक अच्छी खासा यूटिलिटी बालकनी ही मिल जाती है, काफ़ी बड़ी सी। हाँ, और इस तरफ आपको ये डाइनिंग का स्पेस मिल जाएगा, आप जितनी भी बड़ी डाइनिंग टेबल चाहें यहाँ पे रख सकते हैं, ये पूरा स्पेस आपका डाइनिंग या प्लस एक यहाँ पे आप कुछ सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं। एंड राइट हैंड साइड पर इस तरफ आपको मिल जाएगा, ये आपका बेडरूम नंबर 1 है विद अटैच बालकनी। हर बेडरूम के साथ आपको बालकनी अटैच मिलने वाली है, अगेन यहाँ पे बालकनी मिल जाएगी, प्लस वार्डरोब के लिए आपको यहाँ पे सेपरेट स्पेस मिल जाएगा। तो इस तरीके का ये आपका बेडरूम नंबर 1 हो गया है। आइए, एंड इस तरफ आपको एक कॉमन टॉयलेट मिल जाती है, इस तरफ आपका एक बेडरूम पड़ता है जिसे मैं अभी बाद में दिखाती हूँ, उससे पहले आपको ये वाला बेडरूम दिखाती हूँ। तो ये है आपका बेडरूम नंबर 2, ये देखिए। एंड इस तरफ भी आपको वार्डरोब के लिए अलग से स्पेस मिल जाती है, प्लस यहाँ पे भी आपको बालकनी मिल जाती है। बालकनी हर रूम, हर किचन सबके साथ है, मतलब किचन एंड रूम सबके साथ आपको बालकनी मिल जाएगी। एंड इस तरफ आते हैं, ये आपको टॉयलेट के साथ अटैच मास्टर बेडरूम मिल जाता है। तो ये है हमारा बेडरूम नंबर 3, अलमीरा के लिए यहाँ पे भी स्पेस मिल जाती है, प्लस यहाँ पे भी आपको बालकनी मिल जाती है। तो चलिए पाठक जी, जो भी हमने टूर किया 3 BHK का, उसका रेट बताइए। मैम देखिए, यहाँ क्या है, हमारे 2 BHK के हमारे 1200 एरिया में होंगे और जो 3 BHK पहले हमारे 1495 था, अब हमने साइज चेंज कर दिए हैं, 1500 से 1650 का एरिया आता है जिसमें 3 वेरिएंट मिलते हैं। और रेट की बात करें तो 2 BHK आपको 70 से 80 के बीच में आती है और वही 3 BHK 85 से 90 के बीच में हमारा आता है, 95 में आता है। और साइज हमारे पास सबसे बड़ा साइज है 1656 स्क्वायर फीट का है, जिसमें आपको ड्राइंग और डाइनिंग काफी स्पेसियस मिल जाता है। रूम साइज तो सेम रहेंगे लेकिन ड्राइंग और डाइनिंग आपको बहुत स्पेसियस है। एंड लोन वगैरह आपको हर बैंक से हो जाएगा, नेशनलाइज बैंक से 80% बैंक से लोन हो जाएगा, हर बैंक से। रेरा अप्रूव्ड है, LDA अप्रूव्ड है और प्लस फैमिली आज के टाइम में प्रेजेंट में रह रही है यहाँ। और फैमिलीज ऑलरेडी रह ही रही हैं,
तो आइए आप लोग विजिट करके देखिए, और कोई और डिटेल जाननी है तो ये नंबर है पाठक जी का, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और फ्लैट पसंद आए तो ज़रूर बुक कीजिए। और चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।